हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट टू है क्वेरीज का, जो कि मैंने क्यू एन ए की वीडियो बनाई थी लास्ट पार्ट। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखे है तो वो वाला पार्ट देख सकते हो, आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। वो वाले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस क्लियर करे थे जो कॉमन डाउट्स आ रहे थे, और इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा था, भाई मैं ह्यूमैनिटीज विद इको लेना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं मेन फॉर्म में मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखूं, बिकॉज पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि ओनली 45% होना चाहिए। तो इसके जैसा मुझे एक और कमेंट मिला था जो कि साइंस से रिलेटेड था, और वो कंफ्यूज था कि मुझे मैथ लेनी है तो मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखूं। तो उसके लिए आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना, उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि आप कैसे भर सकते हो। अगर आपको चाहे कॉमर्स लेनी है, चाहे साइंस लेनी है, चाहे ह्यूमैनिटीज लेनी है, सब्जेक्ट के साथ लेनी है, बिना सब्जेक्ट के साथ लेनी है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरने हैं, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ में से पार्ट निकाला हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ, आर्ट्स विद इको और आर्ट्स विद नो इको। तो ये आपके कुछ चॉइसेस आ रहे हैं, और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा चेक बॉक्स। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। तो आपको लेट से मान लेते हैं, हम ह्यूमैनिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए विद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले ह्यूमैनिटीज पे आप टिक कर दोगे। अब आपको सब्जेक्ट कौन से लिखने हैं, देखो इकोनॉमिक्स पे आप टिक करोगे तो इकोनॉमिक्स, तो आपको सब्जेक्ट जो लिखने हैं वो उसके हिसाब, सब्जेक्ट्स आपको जो लिखने हैं वो आपके उसके हिसाब से लिखने हैं कि आप जो स्ट्रीम सब्जेक्ट के सेलेक्ट कर रहे हो, लाइक आप ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक्स के साथ ले रहे हो तो आपको बेस्ट 4 मार्क्स आपके जिसमें आए हैं वो वाले लिखने हैं, आपको बेस्ट 4 मार्क्स, सो दैट आपको वो चीज़ मिल जाए। जैसे आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है तो आपके सोशल साइंस के हिंदी के मार्क्स ज़्यादा देखे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो 4 बॉक्स दिए हैं यहाँ पे आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स आए हैं वो मेंशन करने हैं, सो दैट आपकी परसेंटेज यहाँ पे उस हिसाब से एग्रीगेट देखी जाए। अगर आप साइंस विद मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स साइंस इंग्लिश ये मेंशन करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो सोशल साइंस आपको, और मैथ्स के साथ अगर ले रहे हो तो मैथ्स ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा था, जो काफी कमेंट्स आए थे, या मैंने आपको 2 ही कमेंट्स दिखा रहा हूँ लेकिन आपको काफी सारे कमेंट्स यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे वीडियो में, कि 9th क्लास के एडमिशन के बारे में कुछ बताइए, 9th क्लास का एडमिशन कब होगा। तो देखिए, मैंने काफी सारे वीडियोज में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल की अभी कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। कुछ कुछ स्कूलों ने नोटिस निकाल दिए हैं, कुछ कुछ ने नहीं निकाले हैं, जैसे केवी का आ चुका था 9th क्लास का, तो सिमिलरली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या गवर्नमेंट स्कूल ऐसी अभी किसी का भी नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका जो अभी फिलहाल स्कूल है अभी आप वहीं रहिए, अगर एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, आपको जैसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वीडियो को देख के उस हिसाब से प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, सो दैट आप एडमिशन ले पाओ। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पे बने रहिए और वीडियो जो लेटेस्ट आती है उसको देखे करिए। अगला क्वेश्चन जो आया है वो ये आता है कि भाई मैंने केवीएस का फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके ईमेल आईडी में डाले थे पर कोई रिप्लाई नहीं आया। सिमिलरली एक क्वेश्चन हो रहा है कि मैंने भी फॉर्म कर दिया है और रिजल्ट कब आएगा क्लास 11 का, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ईमेल कर दिया है, फॉर्म भेज दिया है, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ईमेल जो करा है, जिस ईमेल आईडी पे आपने ईमेल किया है, जिस व्हाट्सएप नंबर पे आपने भेजा है, वो क्या आपने स्कूल अथॉरिटी से पूछकर भेजा है। अगर उनसे पूछकर भेजा है तो वो आपको टाइम और डेट बता देंगे कि कब आपका एक्सेस होगा, और अगर आपने उनसे पूछकर नहीं भेजा है तो ये आपने गलती करी है, बिकॉज हर स्कूल वाले ने अपनी एक ईमेल आईडी ऐसी रखी होगी जिस पर वो एडमिशन के फॉर्म्स लेगा, और एक व्हाट्सएप नंबर भी ऐसा रखा होगा। तो आप सबसे पहले कन्फर्म कर लीजिए कि यही ईमेल आईडी है जिसपे भेजना है नहीं भेजना, और यही व्हाट्सएप नंबर है जिसपे भेजना नहीं भेजना। उसके बाद जब आप उनसे ये पूछोगे तो हो सकता है वो उसी टाइम आपको बता दे कि हम आपका इतने दिनों में एक्सेस करेंगे, या आप उसी टाइम पूछ सकते हो उन लोगों से। और अगर आपके पास स्कूल अथॉरिटी का नंबर नहीं है तो आप वहाँ पे फोन करके इन्फॉर्म ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, कुछ कुछ स्कूल्स जो हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो स्कूल तो अभी खुले नहीं हैं लेकिन आप फ़ोन करके, या स्कूल अगर आपके आसपास है तो वहाँ जाके पता कर सकते हो। अगर ईमेल आईडी आपने पूछ के ली है तो वो आपको जरूर बताएंगे, अगर बिना पूछे आपने भेज दिया तो ये आपने गलती करी है, तो ऐसे मत भेजिए। आपके एडमिशन की यहाँ पे बात है तो ऐसे रिस्क मत लीजिए। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आप उनसे अच्छे से पूछ के लीजिए, और उसके बाद उस पर फॉर्म भर के सबमिट करिए। तो ये यहाँ पर
मैं बताना चाहूंगा आपको, और जो रिजल्ट है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, या फिर स्कूल जो है वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देगा, या आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ईमेल द्वारा ही मिल जाएगी, या ऑनलाइन कोई edu.tik.in जो साइट है उस पर नोटिस आ जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपने स्कूल अथॉरिटी से पूछ कर ही डाला है ईमेल पर। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस के आपको आंसर कर दिए हैं, और जो ये मैंने क्वेश्चंस वीडियो में कवर करे हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार कई लोगों द्वारा, कई स्टूडेंट्स द्वारा पूछे जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन जेन्युइन है, जो क्वेश्चन ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, जो ज़्यादा कॉमन है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जेन्युइन अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा, बिकॉज एक का जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। कई लोग यहाँ पर लिख भी नहीं पाते, कुछ बोल भी नहीं पाते, तो आप सब तक ये वीडियो जानी चाहिए जो 11th क्लास के एडमिशन लेना चाहता है इस साल। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडमिशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आपको मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच जाए और आप एडमिशन टाइम पर ले पाओ। साथ में आप करियर में आगे कैसे बढ़ पाओगे उसके लिए भी आपको गाइडेंस मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो में आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जैसे मैंने बताया, लास्ट वाली वीडियो में मैंने कुछ डाउट्स क्लियर करे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, जाके देख लीजिए जल्दी से। और साथ में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे हुए हैं, तो वो भी आप आई कार्ड पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।